हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। दोस्तों बायो जियो केमिकल साइकिल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये साइकिल हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बायो जियो केमिकल साइकिल को हमने लिखा है मिनरल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। मिनरल बोले या तो न्यूट्रिएंट बोले, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। ये दोनों नाम खैर सेम है लेकिन कभी कभी एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ लेता है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक मिनरल साइकिल और दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल। और तीसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट नेम है इसका, बायो जियो केमिकल साइकिल। तीनों नाम के दोस्तों आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बायो जियो केमिकल साइकिल का। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि आपके एनवायरनमेंट में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बन है एनवायरनमेंट में आपके, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इन सभी का मिश्रण। ये दोस्तों जो मिनरल्स हैं ये हमारे हमें यानी एनिमल्स को और प्लांट को, एनिमल एंड प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इनका जो चक्रण है दोस्तों, इनका जो चक्रण है, जैसे कार्बन का हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दोस्तों फास्फोरस हो गया, बस मतलब और भी ज़्यादा ईटी से जो हमारे बच रहे हो, इन सब का जो एक चक्रण, चक्रण मतलब जैसे हम वातावरण से किस तरह कार्बन ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं और हमारी डेथ के बाद या हमारे प्लांट की डेथ के बाद वो किस तरह वापस वातावरण में चला जा रहा है, इसी का चक्रण ही न्यूट्रिएंट साइकिल या मिनरल साइकिल कहलाता है। और बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है? बायो जियो केमिकल साइकिल कलेक्टिंग लिंक है दोस्तों एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आपका एनवायरनमेंट है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा ये एनवायरनमेंट हो गया, इसका ही हो गया दोस्तों एटमॉस्फेयर। इसमें कई सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन भी होगा, कार्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। और यहाँ पे ये हमारा अर्थ का एरिया है, यहीं पे प्लांट, अर्थ में ही प्लांट भी होते हैं और अर्थ में ही जमीन के लेयर में ही और एनिमल्स भी होते हैं। तो एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, एनिमल को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, सभी की रिक्वायरमेंट एनिमल और प्लांट दोनों को होती है दोस्तों। तो हमने एटमॉस्फेयर से इन गैसों को लिया, एटमॉस्फेयर से हमने इन सभी गैसों को लिया और हमारे लेने के बाद जब हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कुछ मलमूत्र हो गया, प्लांट के कुछ कटे बेकार सड़ी गली पत्तियाँ जो जमीन में पड़ी रहती हैं, उनको डीकम्पोजर द्वारा खाया जाता है और डीकम्पोजर उन सड़ी गली पदार्थ को खा लेते हैं और उनके अंदर से पुनः यही सब पदार्थ को निकाल के वापस एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो ये दोस्तों एक चक्र के रूप में होता है, हमने एटमॉस्फेयर से लिया, फिर हमारी जो मृत्यु हो गई या फिर प्लांट की डेथ हो गई तो उसके बाद डीकम्पोजर द्वारा वापस इन्हीं सब पदार्थ को एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। तो ये एक चक्र के रूप में ये घटना होती रहती है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो मतलब, बायो का मतलब जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, जैसे एनिमल और प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास, आपके पूरे लिथोस्फीयर में, बायोस्फीयर में बस दो ही हैं, एक एनिमल है एक प्लांट है, ह्यूमन भी एनिमल के अंदर आते हैं। जियो मतलब जमीन से रिलेटेड, लिथोस्फीयर से रिलेटेड, और केमिकल मतलब यही कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ईटीसी साइकिल। और इन साइकिल क्यों, एक चक्र चल रहा है एटमॉस्फेयर से अर्थ में और एटमॉस्फेयर से जमीन लेवल पर और जमीन लेवल से वापस अर्थ पर, ये एक चक्र की तरह चलता है ये पूरी घटना, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। एक ऐसा चक्र जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान की घटना को दिखाता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, बायो जियो केमिकल साइकिल। और मिनरल साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल और प्लांट को इन सभी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन्हीं रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक चक्र चलता है एटमॉस्फेयर से एनिमल लोग के पास और एनिमल से वापस एटमॉस्फेयर में। तो एक जो मिनरल है वो एक चक्र के रूप में चलता रहता है, इसलिए इसे मिनरल साइकिल कहते हैं। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सभी को इन मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मिनरल्स हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं और कुछ मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब होता है जमीन के अंदर से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपनी साइकिल। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि बायो जियो केमिकल साइकिल जो है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है बायो जियो केमिकल साइकिल। पहली होगी गैसीय साइकिल, गैसियस साइकिल, और दूसरी होती है दोस्तों सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। अब इन दोनों का मतलब समझिए दोस्तों। गैसियस साइकिल, ऐसी साइकिल जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में गैस के रूप में पाई जाए, वो क्या कहलाती है दोस्तों, गैसियस साइकिल। और सेडिमेंट्री साइकिल, ऐसी साइकिल जो हमारे वातावरण में गैस के रूप में ना पाई जाए, उन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा, गैसियस साइकिल फॉर्म ऑफ गैसेस, फॉर्म ऑफ गैसेस ये गैस के रूप में पाई जाती हैं, और सेडिमेंट्री साइकिल नॉट फॉर्म ऑफ
गैसेस। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। ऐसी साइकिल जो गैस के रूप में पाई जाए वह गैसियस, ऐसी साइकिल जो गैस के रूप में ना पाई जाए वो सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है दोस्तों, बस यही दो ही साइकिल हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। अब अभी हम देखते हैं गैसियस साइकिल कौन कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन साइकिल चलेगी। और कौन कौन सी है दोस्तों, कार्बन साइकिल है, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं होता दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ और एक है हमारे पास, कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, और हमें आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की, O2, तो ऑक्सीजन साइकिल भी चलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेडिमेंट्री साइकिल कौन कौन सी होती है, सेडिमेंट्री साइकिल दोस्तों हमारे पास है सल्फर साइकिल और एक है फॉस्फोरस साइकिल। क्लास 12th वालों के लिए फॉस्फोरस साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है, उनके सिलेबस में सिर्फ फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन का जिक्र है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर का जिक्र नहीं है। तो क्लास 12th वाले कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनका मतलब बताता हूँ, आपको इनका परसेंटेज मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल का एग्जाम क्लास 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो साइकिल इंपॉर्टेंट है उनका परसेंटेज मैं बता रहा हूँ। आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज है कितना, 0.03% आपके एटमॉस्फेयर में है, फ्री फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री फॉर्म में, लेकिन कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन साइकिल ये आपके एटमॉस्फेयर में 78% है, अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो फॉस्फोरस साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल ये आपके एटमॉस्फेयर में 21% है। और जितने अदर साइकिल हो गई ETC, अब जितने साइकिल बची वो सब सम क्वांटिटीज़ में आप हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, बहुत ही यूजफुल होते हैं वो सब। ये सारी साइकिल जो है हमारे सेल को इंक्रीज करती हैं, हमारे डाइजेशन को, हमारे एक्सक्रिएशन को, रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ये सारी जो मिनरल्स हैं ये यूजफुल होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी हमने क्या देखा, बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स की, हम समराइज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल करेंगे, हम तीनों साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। अब हम इन तीनों साइकिल को एक एक वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ते रहेंगे दोस्तों, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएं। आपको कुछ पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइकिल के साथ।